अनिरुद्ध रॉय चौधरी, पता है तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट में से एक हो। सर आप भी मेरे सबसे फेवरेट टीचर थे और आगे भी मेरे पसंदीदा रहेंगे, क्योंकि वो आप ही हैं सर जिसने मुझे गाइड किया, मेरी सोच को इस काबिल बनाया कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं और इस दुनिया को एक बेहतर जगह भी बना सकूं। सिट डाउन, यू आर लाइक माय सन। देख अनिरुद्ध, तुझे तो पता है कि तू यहाँ बहुत साल स्टडी किया है ना? Yes. तो तू अच्छी तरह जानता है कि अपना स्कूल तो बॉयज, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन द ग्राउंड, गो टू योर क्लास, क्लास में जाओ। बच्चा लोग, वेयर वाज आई? या बॉयज, दिख रहा ओवर्स इज अ बॉयज स्कूल, ओनली फॉर बॉयज, और तू अपनी बीवी को यहां बॉयज स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, यहां स्टडी कराना चाहता है? आई गॉट मैड? अरे मैं मिला हूं, यहीं पे स्कूल पे एनुअल डे पर और झमेला हुआ था उसकी वजह से, बहुत तमाशा हो गया था। ठीक है, वो भी ठीक है, देख मेरी राय माने ना तो तू अपने घर में ही उसके लिए स्टडी करवाने का बंदोबस्त कर ले। सर मैंने बोनिता को घर पे पढ़ाया है। देन? पर अब समय है कि वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में पढ़े, स्कूल में पढ़ाई करे। सर आप ही ने सिखाया है ना, हर नई चीज की शुरुआत होती है, इसी स्कूल में सीखा है चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो सर आज क्यों ना हमारे स्कूल में ही एक बदलाव आ जाए थोड़ा सा। अनिरुद्ध भी ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। मालूम है ना, इस पूरे विद्यालय में सारे लड़कों के बीच में अकेली लड़की पढ़ने वाली होगी तुम, ना कोई बात करने के लिए होगा, ना कोई दुख बांटने के लिए। ऐसे करोगी रह पाओगी तुम अकेली? डर तो नहीं लगेगा? दुख होगा ना यहाँ काका शशि जी, उससे बात कर लूंगी मैं। अरे बटुक को रहने दो, बटुक क्या करेगा, तुम तो जानती हो बहू लड़के बड़े शरारती होते हैं, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई शरारत की, तुम्हें सताया, तुम्हें रुलाया, तो सोच रही हो ना क्या होगा तुम्हारा? नहीं काका सुसु जी, ये सोच रही हूँ क्या होगा उन लड़कों का। ठीक है, हमें नहीं जानना कि तुम क्या करती थी और तुम्हारी माँ उस बारे में क्या कहती थी, हम फिलहाल इस बात को लेके परेशान हैं कि तुम कैसे मुकाबला करोगी लड़कों से, मतलब लड़कों में बल बुद्धि लड़कियों से अधिक होता है ना। सुना है पर मानती नहीं हूँ मैं ये बात काका सुसु जी, और लड़के बल बुद्धि में लड़कियों से आगे होते हैं या नहीं, ये बात बिना लड़कियों से मुकाबला किए बिना पता चलेगी क्या लड़कों को? आज तक लड़कियों को विद्यालय भेजा ही नहीं गया है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन भाई बुद्धि में आगे है? बताइए काका सुसु जी, बोलिए ना। मारी बहू और उसके कुतर्क, अब तो ये प्रधानाचार्य ही मना कर दे अनिरुद्ध को तो अच्छा है। क्या है? तू कुछ भी सोच ले, मगर पब्लिक के लिए पागलपन ही है कि लंदन का अच्छा खासा बैरिस्टर बनने का मौका छोड़कर यहाँ चला आया तू, और आने के बाद
वो एक छोटी लड़की को बचाने के लिए शादी भी कर ले। क्यों हवा के रुख के आगे तू खड़ा रहना चाहता है? क्या हासिल क्या करना चाहता है मेरा बच्चा, बोल ना तू। अरे तू जब लंदन गया था ना, तो मैं बहुत खुश हुआ था। आई वॉज फीलिंग प्राउड। देखो मेरा अनिरुद्ध इंडिया का सबसे बड़ा बैरिस्टर बनेगा। क्या किया तूने? तू तो बस वो अपनी वो रिवॉल्यूशन, वो क्रांतिकारी थी। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, रोकने के लिए सॉरी, पर सर विश्वास कीजिए मेरा, आज जो आप मेरे लिए कह रहे हैं ना, कई साल बाद आप बौंदता के लिए भी यही कहेंगे। आप खुद बौंदता को कहेंगे, बौंदता आई एम प्राउड ऑफ यू। ओक लीफ हाई स्कूल की पहली गर्ल स्टूडेंट बनने के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। और जितनी भी लड़कियां बौंदता को देखकर शिक्षा का महत्व समझेंगी ना सर। पति बाबू, हम कब से इंतजार कर रहे हैं अंग्रेज अफसर बाबू का, इस कारण से परेशान हो रहे हैं आप? नहीं बौंदता, ऑफिसर को तो मैं मना लूंगा, चिंता तो मुझे रमैया सुरैया और बाकी लड़कियों की हो रही है। क्यों पति बाबू, क्या कोई हल नहीं निकल पा रहा है? उसी बात की तो परेशानी है बौंदता, समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे उन लड़कियों को भी बाकी औरतों की तरह सम्मान मिले, और इसके लिए भी सिर्फ 24 घंटे हैं मेरे पास। हर बीतते पल के साथ परेशानी बढ़ती ही जा रही है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं भी सोचूंगी इस बारे में। दो दिमाग एक ही बात सोचेंगे तो जल्दी हल निकलेगा ना। सही कहा तुमने बौंदता, सोचो। एक्सक्यूज मी जी, आपने कहा मिस्टर ग्रीनवुड 45 मिनट में मिलेंगे, 2-3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पर वो तो अपने काम करके निकल चुके हैं। जा चुके हैं? हम यहाँ पर रुके हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और जा कैसे सकते हैं? यही उनके ऑर्डर्स थे। ऑर्डर्स क्या होते हैं? सही कहा था काका ने, बहुत टेढ़ा ऑफिसर है ये। कल खाने पे नहीं आया और आज जानबूझकर यहाँ पर बैठा कर रखा हमें। पति बाबू, स्कूल नहीं जा पाऊंगी मैं, क्या कहूंगी गांधी जी से अगली बार जब मिलूंगी मैं उनसे? क्या अन्याय हो रहा है ये तो जान लिया मैंने, पर इस अन्याय से लड़ूंगी कैसे? नहीं बौंदता, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यहाँ विनोद के ऑफिस में सिग्नेचर नहीं मिले तो क्या हुआ, हम विनोद के घर जाएंगे, बस उसके घर का पता लगाना होगा। कहाँ से पता चलेगा? ससुर जी से पूछ लीजिए ना पति बाबू, उन्होंने तो खाने पे बुलाया था ना उन्हें। बाप ने आपने, पर बाप बेटे की रिश्ते की मर्यादा रखी आपने? बाप अपने बेटे को धोखा देता है क्या? यही सीख कर आए हो क्या विदेश से? वैसे बड़ों के सामने झुकने से छोटे नहीं होते, उल्टा आशीर्वाद मिलता है, ऐसा मैं नहीं माँ कहती है। ससुर जी, चलिए प्रार्थना करते हैं कि पति बाबू ससुर जी से छोड़ दे नाराज होना। जानती हूँ मैं, एक बार बेरिस्तरा बाबू बात कर ले ससुर जी से, उसके बाद फिर से हो जाएगा उनका गुस्सा। हो सकता है उस अंग्रेज अफसर के कारण फिर
से दोस्ती हो जाए ससुर जी और पति बाबू में। हाँ खूब भालो खूब भालो, पर खुली आंखों से सपना देखना सही है क्या बहू?